अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 साल से मुझे धुआं दिखता है, धुआं। कोविड जब अपने चरम सीमा के ऊपर था, जब लाशें बर्न हो रही थी, तब से मैंने अपने पुराने जो मेरे काफ़ी सारे चैनल हट चुके हैं यूट्यूब से, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बना के पोस्ट किया कि मुझे धुआं दिखता है, धुआं। और लोग बड़े कम जो अवेयरनेस के अंदर होते हैं, मेरी वाली अवेयरनेस के अंदर, उनको वो चीज़ दिखती है। तो आगे लग रही है, आप देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए आगे लग रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आगे लग रही है, सब चीज़ों के अंदर आगे लग रही है। कल मेरे को बहुत बार अपनी गली में चलते हुए, अपने कॉलोनी के बाहर कभी ब्रेड लेने जाओ, कहीं पर जाओ, मुझे अपने KG2 ब्लॉक में धुआं दिखता है, धुआं। लोग नॉर्मल होते हैं, उनको नहीं पता चलता, मुझे धुआं दिखता है और मुझे ऐसा लगता है तो आग लग गई, आग लग गई, वैसे वाला मुझे धुआं दिखता है। कल मुझे ब्रेड लेने जाने के, जब ढोली प्याऊ साइड मुझे जाना था, तो मुझे धुआं दिखा बहुत ज्यादा, झुग्गी हो गया आसपास। मुझे हुआ कि यार ये हड़कंप क्यों नहीं मच रही, इतना धुआं है, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा, लोग वहां पे पता नहीं, वो उनको दिख रहा था या खाली मुझे दिख रहा था। और अब मुझे पता चल रहा है आगे लग रही है, एच ब्लॉक गुरुद्वारे में आग लग गई, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने आपको बोला था, मेरे गुरुजी ने क्या बोला था, जितनी भी सो कॉल्ड होली प्लेसेस होंगी, और बेटा जब अवतार धरती पे आ जाता है ना, तो सब खाली वही होता है, सब कुछ वही, और उसका शब्द और उसका सत्य, सारी होली प्लेसेस इफेक्टेड हो चुकी है। मेरे गुरु ने बोला था सब जगह कली आ चुका, कली। और अभी बद्रीनाथ से रिलेटेड भी आपको अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, जो मेरे गुरु ने बोला था कि सौंदर्यकरण होगा बद्रीनाथ का, मास्टर प्लान बीजेपी का, जिसके तहत ये एक केदारनाथ जैसा बन जाएगा एकदम से, सारा जो नेस्टल्ड है अभी बद्रीनाथ, नेस्टल्ड बिटवीन होटल्स और सबके घर लोगों ने बना रखे हैं, वो सब हट टूट जाएगा, टूट फूट जाएगा। और मेरे गुरु ने बोला तब तू जाइयो, तब तेरी बातों को मानेंगे। और मुझे तो चाहिए भी नहीं कि कोई ह्यूमन रेस, मुझे ह्यूमन रेस को अर्थ नहीं है, मेरा लेवल बहुत अप हो चुका है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं अभी भी जीवित हूँ, बॉडी में हूँ, और आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो मेरे शब्द, ताकि आप मेरी अवेयरनेस में पहुंच सको। बट बहुत लेट हो चुकी है भाइयों।